तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है टेक्निकल विजुअल में। दोस्तों आज हम सैमसंग S23 अल्ट्रा और आईफोन 13 प्रो मैक्स का कुछ स्पीड टेस्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो मिल जाए। तो चलिए दोस्तों दोनों फ़ोन को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोनों फ़ोन के प्रोसेसर की बात करें तो सैमसंग S23 अल्ट्रा में स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन सेकेंड का चिप मिल जाता है और 13 प्रो मैक्स में A15 का बायोनिक चिप मिल जाता है। तो जैसे कि देख सकते हैं S23 अल्ट्रा और 13 प्रो मैक्स के मुकाबले 13 प्रो मैक्स काफ़ी जल्दी चालू हुआ, S23 अल्ट्रा को काफ़ी टाइम लगा। तो चलिए दोस्तों कॉल लॉक को ऑन कर लेते हैं। कॉल लॉक दोनों ही सेम टाइम पे चालू हुआ और ऐप स्टोर और प्ले स्टोर की बात कर लें तो प्ले स्टोर जल्दी चालू हुआ और दोस्तों अमेज़ॉन की बात कर लें दोनों ही फ़ोन में तो दोनों फ़ोन में से आईफोन 13 प्रो मैक्स में जल्दी चालू हुआ। और दोस्तों हमारे अगले गेम की बात करें COD की, कॉल ऑफ ड्यूटी की, तो S23 अल्ट्रा और 13 प्रो मैक्स दोनों में ही चालू कर दिए हैं। अब देखना यह है कि किस में जल्दी चालू होता है। तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों दोनों में ही कुछ इस तरह से लोडिंग हो रहा है अभी भी फ़ोन में और 13 प्रो मैक्स काफ़ी स्पीड से चालू हो गया है अब तक, बट S23 अल्ट्रा अभी तक चालू नहीं हुआ है। तो ये काफ़ी माइनस पॉइंट लगता है S23 अल्ट्रा के लिए। और दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम की बात कर ले दोनों ही फ़ोन में, तो जैसे कि देख सकते हैं दोनों में से S23 अल्ट्रा जल्दी चालू हुआ। और दोस्तों हमारे अगले गेम की बात करें S9 की, तो S9 S23 अल्ट्रा और 13 प्रो मैक्स दोनों में ही चालू कर दिए। अब देखना यह है कि किस में जल्दी चालू होता है। तो जैसे कि देख सकते हैं S9 लेजेंड का कुछ इस तरह से डिस्प्ले हुआ, बट S23 अल्ट्रा जल्दी चालू हुआ, 13 प्रो मैक्स को काफ़ी टाइम लगा। और दोस्तों हमारे अगले गेम की बात करें सबवे सफ़र की, तो सबवे सफ़र दोनों में ही चालू कर दिए हैं, S23 अल्ट्रा में भी और 13 प्रो मैक्स में भी, बट 13 प्रो मैक्स में ही जल्दी चालू हुआ। और दोस्तों हमारे अगले गेम की बात करें एंग्री बर्ड 2 की, तो दोनों में ही चालू कर दिए हैं, बट डिस्प्ले 13 प्रो मैक्स में जल्दी चालू हो गए। अब देखना ये है कि किस में जल्दी चालू होता है। गेमिंग हो रहा है अभी, लोडिंग हो रहा है कुछ इस तरह से। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जैसे कि देख सकते हैं S23 अल्ट्रा जल्दी चालू हो गया, 13 प्रो मैक्स को काफ़ी टाइम लगा। और दोस्तों हमारे अगले फेसबुक की बात कर ले दोनों में ही चालू कर लेते हैं, बट S23 अल्ट्रा में ही जल्दी चालू हुआ। और दोस्तों हमारे टेम्पल रन 2 गेम की बात कर ले तो S23 अल्ट्रा और 13 प्रो मैक्स दोनों में ही चालू कर दिए। अब देखना यह है कि किस में जल्दी चालू होता है। जैसे कि देख सकते हैं S23 अल्ट्रा में काफ़ी जल्दी चालू हो गए हैं, बट 13 प्रो मैक्स को काफ़ी टाइम लगा। तो ये मामले में S23 अल्ट्रा काफ़ी स्पीड से चालू हुआ। और दोस्तों हमारे स्नैपचैट की बात कर ले दोनों ही फ़ोन में, बट S23 अल्ट्रा में ही जल्दी चालू हुआ। और दोस्तों हमारे अगले गेम की बात करें पबजी न्यू स्टेट्स की, तो S23 अल्ट्रा और 13 प्रो मैक्स दोनों में ही चालू कर दिए। अब देखना यह है कि किस में जल्दी चालू होता है। तो जैसे कि देख सकते हैं कुछ इस तरह से लोडिंग हो रहा है दोनों ही फ़ोन में, बट S23 अल्ट्रा में ही जल्दी चालू हुआ, 13 प्रो मैक्स को काफ़ी टाइम लग गया। और दोस्तों हमारे क्रोम ब्राउज़र की बात कर ले दोनों ही फ़ोन में, बट S23 अल्ट्रा ही जल्दी चालू हुआ। और दोस्तों हमारे अगले गेम की बात करें सुपर मारियो रन की, तो दोनों में ही चालू कर दिया S23 अल्ट्रा में भी और 13 प्रो मैक्स में भी, तो दोनों कुछ इस तरह से लोडिंग हो रहा है। और दोस्तों ये वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसे कि देख सकते हैं 13 प्रो मैक्स में जल्दी चालू हुआ। और दोस्तों पिक्सार्ट की बात कर ले तो दोनों में ही चालू कर दिए, बट S23 अल्ट्रा में ही जल्दी चालू हुआ। और रॉब्लॉक्स की गेम की बात कर ले तो दोनों में ही चालू कर दिए, बट 13 प्रो मैक्स में ही जल्दी चालू हुआ। और स्पॉटिफाई की बात कर ले तो दोनों में ही चालू कर लेते हैं, बट स्पॉटिफाई 13 प्रो मैक्स में ही जल्दी चालू हुआ। और दोस्तों हमारे पोकेमोन गो की बात कर ले दोनों में ही चालू कर दिए, बट दोनों ही सेम टाइम पे चालू हुआ, कुछ मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। और दोस्तों हमारे अगले गेम की बात करें COC की, क्लैश ऑफ क्लैंस की, तो S23 अल्ट्रा में जल्दी डिस्प्ले हो गया है, वही 13 प्रो मैक्स को काफ़ी टाइम लग गया है, तो ये मेजर डिफरेंस देखने को मिल जाता है आपको। और दोस्तों हमारे अगले गेम की बात करें कुछ इस तरह से लोडिंग हो रहा है दोनों ही गेम में, S23 अल्ट्रा में भी, स्टम्पल गन्स की, तो दोनों ही सेम टाइम पे चालू हुआ। और दोस्तों हमारे फ्रूट निंजा फ्रूट की गेम की बात कर ले तो S23 अल्ट्रा और 13 प्रो मैक्स दोनों में ही चालू कर दिए। फ्रूट निंजा आपने काफ़ी खेला ही होगा, ये गेम काफ़ी बेस्ट गेम है। तो जैसे ही देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन में लोडिंग हो रहा है, बट दोनों ही में से 13 प्रो मैक्स में ही जल्दी चालू हुआ, S23 अल्ट्रा को काफ़ी टाइम लगा। और कैमरे की बात कर ले तो दोनों में ही चालू कर देते हैं, बट दोनों ही सेम टाइम पे चालू हुआ,
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द टेक्निकल विजुअल।